आयोजित जैसे ट्रॉफी के मिले अध्ययन भी तो भारतीय चरण खाली रहे थे। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है। हमारे शौचालय में समस्या ये है कि हमारे शौचालय में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और कचरे के कारण टॉयलेट पेन से पानी नहीं बाहर जाता है और वहीं के वहीं रह जाता है। और हमारे शौचालय में गेट भी नहीं है जिसके कारण बच्चे शौचालय आते हैं और जहाँ तहाँ लैट्रिन कर देते हैं, जिसके कारण बदबू फैल जाती है और बदबू के कारण कोई भी शौचालय का उपयोग नहीं करता है। और शौचालय में कचरे के कारण कभी कभी सांप भी दिखाई देते हैं। तो आप लोगों को इसके कारण क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? हम लोगों को इसके कारण ना चाहते हुए भी खुले मैदान में दूर तक शौचालय के लिए जाना पड़ता है। क्या आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया है? नहीं, हम लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किए, लेकिन हम चाहते हैं कि कंप्लेन करें, लेकिन हमें पता नहीं है कि कंप्लेन किसे जाके करें। मेरा नाम पूजा कुमारी है। हम लोगों की शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है। क्या आप लोगों ने कभी शिकायत किया है? नहीं, हम लोगों ने इसके बारे में कभी शिकायत नहीं किया और हम लोगों को ये पता नहीं था किसके पास शिकायत करें और कहाँ करें, और सर के डर से और चुप रहते। छात्र छात्राओं को ना चाहते हुए भी खुले मैदान में शौच के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि छात्र छात्राएँ शिक्षा अधिकार कानून 2009 के तहत अपने अधिकार को जानने से वंचित हैं। खासकर जब मैं लड़कियों को देखती हूँ जब वो खुले मैदान में जाती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है स्कूल प्रबंधक समिति के सदस्य। मैं आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मोबाइल नंबर 9835507976 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं ताकि वो स्कूल प्रबंधक समिति के सदस्य पर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द छात्र छात्राएं शौचालय का उपयोग कर सके। मैं भारती, पदुगढ़ा गांव, जिला धनबाद, झारखंड से, इंडिया अनहड के लिए।